नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल बरबड़ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल में भक्ति काल पढ़ रहे थे, तो भक्ति काल में जो पीछे का जो छूट गया था पोर्शन, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, भक्ति काल के विभिन्न संप्रदाय के दर्शन और प्रवर्तक हुए हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। प्रवर्तक शंकराचार्य हुए थे दोस्तों, तो शंकराचार्य का जो दर्शन था वो अद्वैतवाद था, जिसको मायावाद भी कहते हैं। आप ध्यान में रखें, शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैतवाद है। कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, और इसके संप्रदाय का नाम है स्मार्त संप्रदाय या दशनामी संप्रदाय है दोस्तों। स्मार्त संप्रदाय या दशनामी संप्रदाय है, आप आराम से इसको ध्यान में रखें। आगे मैं बात करना चाह रहा हूँ रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है विशिष्ट द्वैतावाद है दोस्तों, विशिष्ट द्वैतावाद है, और इसके संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय एवं रामानुज संप्रदाय ही कहते हैं, ध्यान रखें। आगे मैं तीसरे नंबर के प्रवर्तक है मध्वाचार्य दोस्तों, तो मध्वाचार्य का जो दर्शन है वो द्वैतवाद है दोस्तों। मध्वाचार्य का दर्शन द्वैतवाद है, और इसके संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय है। यह इंपॉर्टेंट है, यह सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है ब्रह्म संप्रदाय। फिर मैं बात करूं वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य तो इनके दर्शन है दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, और इसके संप्रदाय का नाम है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय है दोस्तों। आगे मैं बात करूं निम्बाकाचार्य, तो निम्बाकाचार्य का जो संप्रदाय है दर्शन है वो है द्वैताद्वैत या भेदाभेद, द्वैताद्वैत या भेदाभेद। इनके संप्रदाय का नाम है सनक हंस संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय है दोस्तों। देखिए, ऐसे सवाल परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, मिलान के लिए पूछे जाते हैं। जितने भी संप्रदाय है और जितने भी दर्शन है, उनको एक बार आप अच्छी तरीके से याद कर लें। ऐसा एक हिंदी साहित्य के इतिहास के पेपर में एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मिलान करने होते हैं दोस्तों। नमस्कार, आज इतना ही। मैं अगली कक्षा में कुछ नया तथ्य लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।